झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मंगलवार तड़के अचानक उनकी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अब उन्हें चेन्नई एयरलिफ्ट कराने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल रांची के पारस HEC अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही उन्हें विशेष विमान से और बेहतर इलाज के लिए चेन्नई ले जाने की बात कही। अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए उनके बेटे राजू महतो ने कहा कि कल सुबह 3 बजे उनके पिता अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और तभी उन्हें रांची के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद धीरे धीरे उनकी स्थिति कुछ सुधरी। बता दें कि 2 साल पहले कोरोना महामारी से संक्रमित होने के बाद जगन्नाथ महतो के फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। इसके बाद चेन्नई MGM में उनके लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन हुआ और अब फॉलोअप के लिए उन्हें वहीं भेजे जाने की बात कही जा रही है। इससे पहले अक्टूबर 2018 में उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनकी एक बार एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।